हे गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल नितिन फिटनेस व्लॉग। सो गाइस, जो आज का हमारा व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है एक ग्रैंड ओपनिंग व्लॉग। तो गाइस, पहले बता दूं मैं आपको, जैसे कि आपने मेरे पहले भी व्लॉग में एक बार में देखा होगा कि मैंने व्लॉग बनाया था एक अपना ग्रैंड ओपनिंग का, एनी टाइम फिटनेस नोएडा सेक्टर 49 का। सो आज हमारे भैया ने एक और जिम ओपनिंग कराया है, एक और न्यू जिम खोला है जो कि होने वाला है सेक्टर 141 में। सो आज उसी के एक और ग्रैंड ओपनिंग में हम जा रहे हैं, भैया ने इनवाइट किया हमें। सो सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने उस्ताद जी के घर, जैसे कि आपको पता है आकाश गोस्वामी जी। सो आकाश भाई के पास जा रहा हूँ मैं, तो वहाँ से गाड़ी में बैठेंगे और सीधा जाएंगे अपने अवधेश भाई के पास ग्रैंड ओपनिंग में। तो आपको आगे का नज़ारा दिखाऊंगा, कैसे कैसे सब होने वाला है, जिम कैसा होने वाला है, जिम के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्या किस किस ब्रांड के आपको इक्विपमेंट्स उसमें देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अपने ब्लॉग को यहीं जा रहे हैं अवधेश भाई के न्यू जिम एनी टाइम फिटनेस नोएडा सेक्टर 141 की ग्रैंड ओपनिंग में। सो जैसा कि आपको बताया था कि अभी हम आकाश भाई के पास जा रहे हैं, उसके बाद हम जिम जाएंगे और जिम जाने के बाद आपको व्यू दिखाऊंगा कि कैसा व्यू होने वाला है, क्या लोकेशन होने वाली है हमारे जिम की, तो सब कुछ बात करेंगे। तो फाइनली हम अपना जिम में पहुंच चुके हैं और आपको जिम दिखाऊंगा कि कैसा जिम। फाइनली गाइस, हम अपना नोएडा सेक्टर 141 पहुंच चुके हैं और जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा हमारा रेड टेप ऑनलाइन आउटलेट, बट हम इसके लिए थोड़ी आए हैं, हम आए अपना एनी टाइम फिटनेस नोएडा सेक्टर 141 की ग्रैंड ओपनिंग में। सो गाइस, आपको लेके चलता हूँ। सो अपने मंजिल पे हम पहुंच चुके हैं, जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा एनी टाइम फिटनेस नोएडा सेक्टर 141 का। ऊपर चलूंगा और आपको दिखाऊंगा क्या क्या कैसा जिम होने वाला है, कितने फ्लोर्स में आपको ये जिम देखने को मिलेगा, क्या क्या फीचर्स, क्या क्या हमें फैसिलिटीज इस जिम में देखने को मिलती हैं, प्लस कौन से ब्रांड के आपको इक्विपमेंट्स इस जिम में देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस, यहीं पे अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिसकी वजह से आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ऊपर चलते हैं। तो जैसा कि आपको पहले बता दूं मैं, तो जिम हमारा सेकंड और थर्ड फ्लोर पे शिफ्ट है, दो फ्लोर में आपको ये जिम देखने को मिलता है। तो ऊपर चलता हूं मैं, फिलहाल फर्स्ट फ्लोर पे मैं आपको दिखाता हूं। तो ये सारा हमारा शोरूम समझ सकते हो, गार्बेज जो भी हमारा कूड़ा वगैरह बचा हुआ है वो सब पड़ा हुआ है, तो देख सकते हैं आपको हालत। तो जिम हमारा ओपनिंग हो चुका है, ग्रैंड ओपनिंग ऊपर चल रही है, पार्टी जो भी होने वाली है हमारी। और ये हमारा धीरे 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 सेकेंड फ्लोर आ जाता है। तो देखिए सेकेंड फ्लोर पर मैं आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ, पहले तो ये देखिए, तो ये देखिए जैसे कि आपको सामने ट्रेडमिल्स दिखने वाली है, अंदर चल के दिखाऊंगा कैसी ट्रेडमिल्स आपको देखने को मिल जाती है, कौन से ब्रांड की देखने को मिलती है। सेकंड फ्लोर में हम आए, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे एंट्री मेन आपको इस जिम की दिख जाएगी, एंट्री दिखाऊंगा कैसे होने वाली है। उसके बाद कुछ इस टाइप की आपको इसकी एंट्रेंस देखने को मिलेगी, तो ये देख सकते हैं। तो गाइस जल्दी से अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो गाइस जिम के अंदर एंट्री होते ही सो फ्रंट में हमें दिखेंगी तीन ट्रेडमिल्स, कौन से ब्रांड की होने वाली है सब बात करूंगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं ओवरव्यू की, आपको जिम का ओवरव्यू कैसा देखने को मिलने वाला है। तीन ट्रेडमिल्स देखने को मिलती है, तो किस ब्रांड की होने वाली है, क्या क्या फंक्शंस फीचर्स के साथ होंगी उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए ट्रेडमिल दिखाता हूँ आपको कि कौन से ब्रांड की देखने को मिल जाती है जिम में आपको। तो सामने आपको बैजिंग दिख रही होगी प्रीकोर की, सो प्रीकोर ब्रांड की मशीन हमें देखने को मिल जाती हैं इसमें। और एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ गाइस, तो जो प्रीकोर ब्रांड है हमारा वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड माना जाता है हमारी फिटनेस इक्विपमेंट्स में। तीन ट्रेडमिल्स काफ़ी अच्छे एडवांस फंक्शंस फीचर्स के साथ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी अच्छी लगने वाली है। सो पीछे मुड़ते ही हमें पूरा जिम सेक्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर हमारा वेट सेक्शन, डंबल सेक्शन, वेट एरिया जो भी आपका है इसी फ्लोर पे आपको देखने को मिलेगा। ऊपर थर्ड फ्लोर की बात करता हूँ, तो वहाँ पे आपको सारा जुम्बा सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आप स्पेस चेक कर सकते हैं, तो स्पेस आपको इस जिम में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, काफ़ी ही खुला खुला जिम आपको ये जिम देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करूँगा गाइस मशीनों की, कि मशीनें हमें किस टाइप की, कैसी मटेरियल क्वालिटी में देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले मशीन की बात करता हूँ, तो हमें ये देखने को मिल जाती है बटरफ्लाई, आपको दिखा भी देता हूँ कौन से ब्रांड की होने वाली है, ये देखिए प्रीकोर। सो गाइस जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा प्रीकोर के रियर डेल्ट पैक फ्लाई, तो मतलब हमें बटरफ्लाई मशीन ये देखने को मिलती है, जो कि पहले नंबर पे आपको दिख जाती है। सो मटेरियल क्वालिटी और मशीन की ओवरव्यू बात करता हूँ मैं ओवरऑल। सो गाइस काफ़ी अच्छी मशीन हमें देखने को मिलती हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, कुशनिंग क्वालिटी भी मैंने सारी शीट्स की चेक करी तो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। मेटल क्वालिटी की बात करता हूँ, तो काफ़ी हैवी मेटल क्वालिटी के साथ ये मशीन हमें इस जिम में देखने को मिल जाती है। सेकंड मशीन की बात करता हूँ, तो गाइस जो सेकंड मशीन होने वाली है हमारी, वो होने वाली है चेस्ट प्रेस। तो देखिए गाइस सबसे पहले मशीनों के बारे में बताता हूँ, तो मशीन हमें सिर्फ और सिर्फ उसी एंगल उसी डिग्री में दी गई है जिससे हमारा प्रॉपर इफेक्ट हमारे मसल्स पे है, जिसको हम ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी चेस्ट प्रेस मशीन है, आप देख सकते हैं कैसी देखने को मिल जाती है, सामने दिखा भी देता हूँ मैं आपको। कन्वर्जिंग चेस्ट प्रेस आपको एज ए स्टिकरिंग इन मशीनों पर देखने को मिलेगा, कि आपको इन मशीन पर वर्कआउट कैसे परफॉर्म करना है
ठीक है। अगर फिर भी कहीं गलती होती है या नहीं कर पा रहे तो उसके लिए भी हमारे जो ट्रेनर्स है पर्सनल ट्रेनर 24/7 आपकी सेवा में मौजूद रहेंगे। थर्ड मशीन की बात करता हूँ तो गाइस ये देख सकते हैं परफॉर्म कर रहे हैं। थर्ड मशीन हमारी होने वाली है लैट पुल डाउन। तो जैसे कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, इस जिम में आपको सारी एडवांस मशीन देखने को मिलने वाली है। तो ये देख सकते हैं हमारी लैट पुल डाउन काफ़ी अच्छी मशीन है, जो कि आपका प्रॉपर इफेक्ट आपके लैट्स पे आने वाला है। ठीक है भैया, परफॉर्म कर रहे हैं अभी एक्सरसाइज, नहीं तो मैं आपको प्रॉपर ये वर्कआउट भी परफॉर्म करके दिखाता कि इस पे कैसे कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है गाइस, बात करता हूँ अब इस बेंच की। तो गाइस सातवीं बेंच आपको देखने को मिलेगा हमारा हाइपर एक्सटेंशन बेंच। तो देख सकते हैं कुशनिंग क्वालिटी की बात करता हूँ तो काफ़ी अच्छी कुशनिंग क्वालिटी सॉफ्टनेस के साथ हमें ये बेंच देखने को मिल जाएगा गाइस। तो जैसे कि बताया आपको इस जिम में सारी एडवांस मशीन देखने को मिलेगी, काफ़ी सारे एडजस्टेबल बेंचेस के साथ आपको ये जिम देखने को मिलेगा। बात करता हूँ हमारी फोर्थ मशीन की। तो गाइस देखो फोर्थ मशीन हमारी जो होने वाली है वो होने वाली है हमारी शोल्डर प्रेसिस। सो शोल्डर प्रेसिस का नाम आपने सुना होगा, जैसे कि सामने आपको एक्सरसाइज भैया परफॉर्म करते हुए दिख भी रहे हैं। काफ़ी अच्छी मशीन हमें देखने को मिलने वाली है ब्रांडेड पुलिस के साथ। तो भैया भी वर्कआउट परफॉर्म करें, नहीं तो मैं आपको एज ए सीक्रिंग भी बताता कि वर्कआउट कैसे परफॉर्म करना है आपको इस मशीन पर। जैसे कि बताया आपको आपकी मदद के लिए हर मशीन पे एक एज अ स्टिकरिंग दिया गया है एक वर्कआउट कैसे परफॉर्म करना है। फिफ्थ मशीन की बात करता हूँ तो गाइस ये देख सकते हैं फिफ्थ मशीन, तो मैं आपको वर्कआउट परफॉर्म करके दिखा सकता हूँ कि कैसे परफॉर्म करना है इस मशीन पे वर्कआउट। तो देखिए बैठ के आपको अपना पर्टिकुलर हैंड से आप इस वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हैं। आपकी बैक के मसल को बनाने के लिए ये मशीन यूज़ होती है। जैसे कि सामने आपको दिखा देता हूँ मैं डाइवर्जिंग सिटी ड्रो। तो सिटी ड्रो हमारी ये मशीन होने वाली है प्रीकोर ब्रांड की। काफ़ी जिमों में आपने देखा होगा कि जो सिटी ड्रो मशीन्स होती है वो थोड़ा बैठ के अलग टाइप की कुछ होती है, लेकिन इस जिम में आपको कुछ इस तरह की आपको सिटी ड्रो मशीन देखने को मिल जाती है। बात करता हूँ सारे वेट सेक्शन में चलते हैं। तो वेट सेक्शन में सबसे पहले आपकी नज़र पड़ेगी हमारे बारबल सेक्शन पे। तो देखिए बारबल सेक्शन आपको जो कि मिलने वाली है जिगजैग रोड और हमारा स्ट्रेट बार जो हमें देखने को मिलती है एक प्रॉपर स्टैंड के साथ आपको देखने को मिलेगी एनी टाइम की ब्रांडिंग के साथ। और सारे वेट इसमें आपको फिक्स मिलने वाले हैं 15 किलो 20 किलो 25 किलो 30 किलो। अगर किसी मेरे भाई को या किसी मेरी बहन को इसमें और वेट बढ़ा के माना तो उसके लिए भी स्पेसिफिक रोड्स दी गई हैं जिसमें आप अपना वेट डाल के परफॉर्म कर सकते हैं। साथ में हमें देखने को मिलते हैं मिलने वाला है प्रीचर बेंच। अब प्रीचर बेंच की एक खासियत बताता हूँ तो गाइस ये बेंच उस डिग्री पे बनाए कि अगर आप इस बेंच पे वर्कआउट परफॉर्म करते हो तो आपका 101% सारा इफेक्ट आपके बाइसेप्स पीक पे आने वाला है। दूसरी बारबल्स की बात करी थी जैसे कि मैंने आपको, तो देख सकते हैं काफ़ी अलग अलग तरह की आपको बारबल्स इस जिम में देखने को मिल जाती है प्रॉपर स्टैंड के साथ। क्योंकि आपने जिमों में देखा होगा कि बारबल्स यहाँ से वहाँ फैला देते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। आप अपना वर्कआउट कीजिए और सीधा अपना रैक कीजिए अपने वेट्स को उसकी जगह पर। डंबल सेक्शन की बात करता हूँ जो कि मेरा भी फेवरेट है डंबल सेक्शन। तो डंबल सेक्शन में क्या खासियत है गाइस इस जिम में, तो आपको इस जिम में 2 से 3 पेयर आपको देखने को मिलने वाले हैं सेम वेट के। अब 2 से 3 तरह के सेम वेट के पेयर आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसका एक वैलिड रीजन है क्योंकि क्या वो होता है ना कभी कभार गाइस, जैसे कि अगर एक आधा क्लाइंट कोई वर्कआउट परफॉर्म करा होता तो तीसरे चौथे को वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे वेट करने का झंझट ही खत्म कि 2 से 3 पेयर दिए इसलिए गए ताकि अपने वर्कआउट को आप कंटिन्यू कर सके। हैवी वेट की बात करूँ तो गाइस यहाँ पे आपको हैवी वेट में डंबल में देखने को मिलेगा 15, 20, 25, 30, 35 मतलब 40 किलो तक मैक्सिमम आपको यहाँ पे डंबल्स में वेट देखने को मिल जाएगा। बात करता हूँ सिक्स्थ मशीन की। तो देखिए गाइस यहाँ पे हमारे सिक्स्थ मशीन देखने को मिलने वाली है हमारी जो कि होने वाली है लेग प्रेस। सो गाइस लेग प्रेस भी हमें काफ़ी अच्छी डिग्री के साथ देखने को मिलने वाली है और काफ़ी स्मूथ मशीन चलने वाली है क्योंकि जैसे कि आपको पता है नया जिम है, नई मशीन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आपको एक बार मैं दिखा भी देता हूँ तो देखिए एंगल लेग प्रेस फ्रीकोर ब्रांड की हमें एंगल लेग प्रेस जैसे कि मशीन का नाम है देखने को मिलती है। एज ए सिक्रिंग बताया गया कि इस मशीन से आपका कौन से मसल पे हिट करेगा, कौन सा मसल आपका ट्रेन होगा इस मशीन के जरिए। ठीक है गाइस, तो काफ़ी अच्छी मशीन है। आपको अगर जिम कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा गाइस। बात करता हूँ स्मिथ मशीन की। तो देखिए यहाँ पे हमें स्मिथ मशीन मिलती है पुलअप बार्स के साथ। तो इस जिम में आपको कम से कम 2 से 3 तरह की आपको स्मिथ मशीन भी देखने को मिलेगी। अगर एक बिजी है तो दूसरी पे जाओ, दूसरी बिजी है तो आप अपना तीसरी पे जा सकते हैं। स्मिथ मशीन पे आप अपना लेग्स चेस्ट शोल्डर कोई भी आप एनीथिंग जो भी अपना वर्कआउट परफॉर्म करना है वो कर सकते हैं। अब आप कंफ्यूज होंगे कि ये बेंच किस लिए दिया गया है, तो गाइस ये बेंच हमें जो देखने को मिलता है एब्डोमिनल्स को ट्रेन करने के लिए देखने को मिल जाएगा या फिर चेस्ट प्रेस या फिर डिक्लाइन प्रेस देखने को मिलेगा। बात करता हूँ सेकंड हमारी स्मिथ मशीन की। तो जैसे कि बताया इस जिम में आपको 2 से 3 तरह की स्मिथ मशीन देखने को मिलती है, तो ये हमारी दूसरी स्मिथ मशीन भी हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। और ये हमारी तीसरी और कुछ अलग तरीके की स्मिथ मशीन जो कि होने वाली है सेम ब्रांड प्रीकोर ब्रांड की देखने को मिलती है। तो ये अलग होने वाली है क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि प्रॉपर अगर लैग का कोई अगर क्लाइंट वर्कआउट करना चाहता है तो वो इस मशीन पे कर सकता है। ओवरऑल आपको पूरे जिम में स्पीकर जो देखने को मिलने वाले हैं आपके साउंड के लिए जेबल का सिस्टम आपको आपको जिम में देखने को मिल जाएगा। सेवंथ मशीन की बात करता हूँ तो गाइस सेवंथ मशीन हमारी होने वाली है, दिखा देता हूँ मैं आपको एक बारी लैग कल। तो सेवंथ मशीन हमारी लैग कल देखने को मिलने वाली है जो कि मेनली इफेक्ट करती है हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स पे।
ग्रैब हैंडल्स के साथ आपको मशीन देखने को मिलेगी। तो ग्रैब हैंडल्स पर आप अपना ग्रिप को टाइट करके अपने वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हैं। और कहीं भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो जो हमारे पर्सनल ट्रेनर्स है, जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स है, वो आपकी मदद करेंगे आपको वर्कआउट परफॉर्म करने में। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी लेग कर्ल की मशीन। उसी के साथ में हमें एक और मशीन देखने को मिलने वाली है, जो कि होने वाली है हमारी लेग एक्सटेंशन। उसका भी व्यू तो मैं आपको कि मशीन कैसी देखने को मिलती है, तो ये देख सकते हैं प्रीकोर की लेग एक्सटेंशन। इस पर भी आपको एज अ स्टिकिंग देखने को मिलेगा कि आपके कौन से मसल पे हिट करेगी ये मशीन से अगर आप वर्कआउट को परफॉर्म करते हैं। यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल्स में जो कि कुछ ग्रिपिंग दी गई है, काफ़ी अच्छी दी गई है, ताकि आपके हाथ पाथ मतलब जबकि फिसले ना, वो काफ़ी अच्छी सारी मशीन हमें देखने को मिलती है काफ़ी अच्छी एंगल डिग्री के साथ। अब बात करता हूँ थोड़ा कार्डियो सेक्शन की गाइस। तो सामने आपको ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन दिख रही होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मशीन का यूज़ क्या है, किस कैसे यूज़ होती है, तो आपको वो चीज़ बताता हूँ मैं। सो गाइस, ये हमारी एस्केलेटर मशीन है, जैसे कि आपने देखा हुआ सीढ़ियाँ चढ़ना, तो वो भी हमारे कार्डियो में ही इंक्लूड होती है चीज़ें। ये भी हमें प्रीकोर ब्रांड की देखने को मिलेगी। आप अपने हिसाब से स्पीड सेट करके एस्केलेटर चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी 4 और ट्रेडमिल जो कि सेम प्रीकोर ब्रांड की होने वाली है, एडवांस फंक्शन फीचर्स के साथ। टोटल जिम आपको 7 से 8 ट्रेडमिल्स देखने को मिल जाती हैं। उसी के पीछे आपको देखने को मिलेंगे 2 हमारे क्रॉस ट्रेनर्स जो कि काफ़ी अच्छे फंक्शंस फीचर्स एडवांस फंक्शंस के साथ देखने को मिलती है। अपने हिसाब से आप अपना स्पीड को हाई रखना है, लो रखना है, मीडियम रखना है, उसी हिसाब से आप अपना इस पर क्रॉस सेक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारा सारा क्या था, कार्डियो सेक्शन में आ जाता है। बात यही खत्म नहीं होती है, और भी मशीन्स है जो मैं आपको एक रिव्यू दूंगा उन मशीनों का कि कैसी मशीन होने वाली है, क्या यूज़ है। तो जो नई मशीन है जो जिम में इंक्लूड की गई है उसके बारे में बात करता हूं। तो देखिए, ये मशीन जो आपको सामने दिख रही होगी, आप इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो कि ये मशीन क्या काम करेगी। ठीक है, तो उसमें भी आपको दिखाता हूं। सबसे पहला मशीन देखिए कि आपको टोटली मशीन कैसे देखने को मिलने वाली है। अब आपको मैं दिखाता हूं, ये देखिए प्रीकोर की आपको देखने को मिलने वाली है इनर आउटर थाइस। तो इस मशीन पर मेरा भाई या कोई मेरी बहन है अपनी इनर थाइस को परफॉर्म करना चाहता है तो यहाँ कर सकता है। ठीक है, प्रॉपर आपको स्पेसिफिक एरिया दिया गया आपके डेल्ट सेक्शन के लिए। तो ये देख सकते हैं, प्रॉपर क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अलग से आपको एक नीचे देख सकते हैं ना, मैट दिया गया आपको डेडलिफ्ट सेक्शन के लिए, प्लस आपको बारबल भी एक डेडलिफ्ट के लिए एक स्पेसिफिक दी गई है। जैसे कि आपको सामने बीच में दिख रहा होगा, बारबल में ब्लैक कोटिंग हमें देखने को मिल जाती है। तो ये स्पेसिफिक आपको बारबल सिर्फ और सिर्फ आपके डेडलिफ्ट के लिए देखने को मिल जाती है। अब बात करता हूँ हमारे पुली मशीन की। अब पुली मशीन तो आपने गाइस काफ़ी देखी होंगी, बट इस पुली मशीन में एक खासियत है। क्या खासियत है गाइस? वैसे तो खासियत बहुत है जिम की मशीनों में, लेकिन इसकी जो एक पर्सनल खासियत बताता हूँ मैं, तो प्रीकोर की तरफ से आने वाली सबसे पहली मशीन है इंडिया में जो सिर्फ और सिर्फ आपको एनी टाइम फिटनेस नोएडा सेक्टर 141 में देखने को मिल जाती है। ठीक है, काफ़ी स्मूथ मशीन चलने वाली है सारी, अपने वर्कआउट को बेफिक्र होकर यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुलिस हमें देखने को मिलती मिलने वाली है, और जो आपको सारी मशीन में केबल दी गई हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होने वाली है। आपको दूसरी पुली मशीन यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जैसे कि मेरे सामने दिख रही है ब्लैक शीशों में आपको, तो ये देख सकते हैं आपको इसमें गैप थोड़ा कम देखने को मिल जाएगा। मेनली आप अपना यहाँ पे चेस्ट फ्लाई, डिक्लाइन फ्लाई या जो भी अपने मशीन पुलिस वगैरह ट्राइसेप्स ही होती है, आप यहाँ पे वो परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर फिर भी किसी मेरे भाई को दिक्कत होती है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, तो आपको एज अ स्टिकरिंग दिया गया है कि आप इस मशीन पे कौन कौन से वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी हमारे सेकंड फ्लोर की, कि सेकंड फ्लोर पे जो भी आपको कार्डियो सेक्शन और आपका वेट सेक्शन, मशीन सेक्शन जो भी देखने को मिलने वाला है। बात करूंगा ऊपर जाते हैं, ऊपर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ जुम्बा सेक्शन की। जुम्बा सेक्शन भी तो अभी हमारा रह गया है कि जुम्बा सेक्शन में आपको कैसा स्पेस देखने को मिलता है। तो उसके लिए स्टेयर चढ़नी पड़ेगी आपको, स्टेयर चढ़ते हैं जल्दी से ऊपर चलते हैं, जहाँ पे ऊपर पार्टी भी ऑर्गेनाइज हो रही है कि जिम की ग्रैंड ओपनिंग है आज। तो यही गया हूँ और आपको जुम्बा सेक्शन दिखाता हूँ। तो देखिए काफ़ी बड़ा आपको डेकोरेशन के साथ आपको जुम्बा सेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हैं, स्पेस की बात करता हूँ तो काफ़ी बड़ा आपको स्पेस आपको सिर्फ और सिर्फ आपके जुम्बा सेक्शन के लिए देखने को मिलेगा। पूरे दोनों फ्लोर से आपको सेंट्रलाइज एसी की सुविधा देखने को मिलेगी। तो आज ये हमारे मैट चेक कर रहे हैं कि मैट की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि गाइस सीरियसली मैट काफ़ी मतलब सॉफ्ट लगे मेरे को इसके, क्योंकि एनी टाइम की तरफ से जो मैट दिए गए हैं और जो हम बाहर से मैट लेते हैं उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है गाइस। ठीक है, तो ओवरऑल जिम मुझे काफ़ी बढ़िया लगा गाइस। आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अपना भी पंप एक बार दिखा देता हूँ। तो गाइस बाइसेप्स का वर्कआउट परफॉर्म किया था, और ये थोड़ा मेरी बाइसेप्स की पंपिंग देख सकते हैं आप। आपको कैसा लग रहा है बाइसेप्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा गाइस, ये मेहनत कैसी लग रही है मेरी आपको। ठीक है, तो यही थी आज की मेरी वीडियो। होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी तो गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा उसको। ठीक है, और अगर कोई मेरा भाई ऐसे ही ब्लॉग्स और देखना चाहता है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो जब तक के लिए गाइस, टिल देन सी यू, बाय।